सभी का फिर से वेलकम है। मैं शर्मा, थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड, अगर आप भी गूगल पे यूज़ करते हो तो फ्रेंड ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप भी जानना चाहते हो फ्रेंड आप गूगल पे में किस तरह अपने गूगल अकाउंट में अपने जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है नहीं सक्सेसफुल है, फ्रेंड आपका ट्रांजेक्शन कब भी आया, पैसा आपने कब रिसीव किया, कितने बजे आपका डेट और किसने आपको सेंड किया था, फ्रेंड आपको हर एक चीज़ इस वीडियो में पता चल जाएगी। और फ्रेंड आपका जो गूगल पे की अकाउंट की सेटिंग है, आप किस तरह अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो, फ्रेंड हर एक बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिर्फ एक वीडियो में आपको फ्रेंड आपको गूगल पे के बारे में हर एक चीज बता दूंगा कि फ्रेंड आप गूगल पे का आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड जैसे मैंने गूगल पे ऑन कर लिया है फ्रेंड, इसको ऑन करने के बाद फ्रेंड आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपके गूगल पे में। फ्रेंड आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको थोड़ा नीचे आना है। जैसे आप फ्रेंड नीचे आओगे तो फ्रेंड आपको ऑप्शन दिखेगा सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी। जैसे फ्रेंड जैसे उस पर क्लिक करोगे तो फ्रेंड आपको क्लिक करने वाला आपको एक पेज इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा और फ्रेंड आपको किसने कब का पैसा भेजा फ्रेंड आपको सामने सब ओपन हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड मुझे अभी शैलेश सर के बंदे ने पैसा भेजा था तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने उसके अकाउंट पे क्लिक किया, उसके ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया तो फ्रेंड मुझे यहाँ सब कुछ आ गया, UPI ट्रांजेक्शन आई डी आ गया फ्रेंड। तो जो मेरा ईमेल आई डी है, नाम है, तो फ्रेंड किसने मुझे भेजा, उसका ईमेल आई डी, कौन से अकाउंट से पैसा आया, ओके, गूगल का ट्रांजेक्शन आई डी क्या है और जो मेरे को रिसीव हुआ फ्रेंड उसका टाइम क्या था, कितना रुपया मुझे रिसीव हुआ, फ्रेंड हर एक चीज़ पता चल जाएगा। ओके, तो फ्रेंड उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा शेयर रिसिप्ट, तो फ्रेंड आप उसको रिसिप्ट भी सेंड कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे जाओ, मैसेज पे जाओ, ईमेल पे जाओ, ब्लूटूथ से जाओ, फ्रेंड किस तरह भी आप किसी को भी उसका ट्रांजेक्शन डिटेल भेज सकते हो। तो फ्रेंड इसी तरह आप किसी का भी जो डिटेल आप देखना चाहो फ्रेंड आप उसको ट्रांजेक्शन दे सकते हो, फ्रेंड ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल है फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड उसके बाद अगर आप चाहते हो अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना तो फ्रेंड आपको इस तरह इंटरफेस दिया गूगल पे में आने के बाद, उसके नीचे आपको आना, उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा चेक अकाउंट बैलेंस। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ओके, मैंने अपना UPI कोड इंटर कर दिया। जैसे मैंने अपना UPI कोड इंटर कर दिया तो मेरा अकाउंट में बैलेंस होगा वो आपके सामने आ चुका है। तो फ्रेंड इस तरह आप अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो इजीली, स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड अगर आपको अकाउंट में बैलेंस चेक करना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। ओके, तो फ्रेंड अगर आपको गूगल पे में सेटिंग करनी है, कुछ सेटिंग आपको चाहिए जैसे अपना अकाउंट नंबर चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल आईडी चेंज करनी है या अपने UPI पिन आप भूल चुके हो, तो फ्रेंड आपको हर सेटिंग इस सेटिंग में मिल जाएगी। ओके, फ्रेंड जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके टॉप पे आपका उस लोगो पे तो फ्रेंड आपको इस तरह इंटरफेस दिखेगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा, बैंक अकाउंट दिख जाएगा, आपका लैंग्वेज दिख जाएगा। फ्रेंड अगर आप लैंग्वेज भी चेंज करना चाहते हो तो लैंग्वेज भी चेंज करके आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू आपको जो मदर टंग है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मोबाइल सेटिंग में देखो फ्रेंड, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा है मुझे ऑप्शन आ रहा है चेंज मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड जैसे मैं मोबाइल नंबर चेंज कर दूंगा तो फ्रेंड मोबाइल नंबर चेंज करने से पहले आपको एक बात याद रखनी, यूज़ द नंबर ऑन दिस फोन इट शुड बी रजिस्टर्ड विथ योर बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड जो भी आप यहाँ नंबर इंटर करोगे फ्रेंड अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर होना ही चाहिए। ओके, तो पेमेंट मेथड, तो फ्रेंड पेमेंट मेथड पर क्लिक करूँगा तो फ्रेंड यहाँ ऐड बैंक अकाउंट, तो फ्रेंड अपने दूसरे बैंक अकाउंट को भी आप इससे रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको दूसरे बैंक अकाउंट बैंक में भी अकाउंट है तो। ओके, और इसके नीचे फ्रेंड आपको ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी का, लॉगआउट का एंड क्लोज अकाउंट। तो फ्रेंड जैसे आप क्लोज अकाउंट पे क्लिक करोगे, जैसे मैं क्लोज अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड यार अकाउंट भी क्लोज्ड, तो फ्रेंड इस पे जब क्लोज पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट फ्रेंड परमानेंटली बंद हो जाएगा और मेरा गूगल अकाउंट भी परमानेंटली बंद हो जाएगा फ्रेंड अगर आप बंद करना चाहते हो तो। ओके, तो फ्रेंड अगर आप लॉगआउट करना चाहते हो फ्रेंड इस पे क्लिक करके फ्रेंड अपने अकाउंट से लॉगआउट भी कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके अकाउंट से लॉगआउट हो जाएगा, आपको वापस री एंटर करने के लिए आपको वापस पिन वो करना होगा। तो फ्रेंड आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देगा, सिक्योरिटी पे जैसे क्लिक करोगे तो फ्रेंड आप यहाँ पैटर्न भी अपना चेंज कर सकते हो, अपना गूगल का पिन भी डाल सकते हो। अगर आप गूगल पे का पिन भूल चुके तो आपको फॉरगेट पिन पे क्लिक करना है। जब फॉरगेट पिन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो गया, तो फ्रेंड आपको यहाँ अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड इंटर करना है। जैसे आप यहाँ पासवर्ड इंटर करोगे आपका जो ये पिन है वो रिसेट हो जाएगा। ओके, तो ये सब सेटिंग थी गूगल पे की। अगर आपको और कुछ सेटिंग चाहिए तो फ्रेंड मुझे आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। और वीडियो पसंद आया फ्रेंड लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। थैंक यू।